बताते हैं, कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं। बाबा मस्त नाथ को हम तो, बाबा मस्त नाथ को हम तो शीश नवाते हैं। गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते हैं। समय की बात बताएं सबला एक रहबारी, दूर दूर तक आता जाता ऊँटों का व्यापारी था, ऊँटों का व्यापारी। भंडार भरे थे धन माया के संतान की लाचारी, जमुना जी पर पहुँच गए जहाँ गोरख थे तपधारी, उनके चरणों में सबला तब शीश झुकाते हैं। गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते मस्ता की कथा सुनाते हैं। गुमसुम सबला बैठे थे उदासी भर के मन में, देख के गोरख बोले उनसे भगत हो किस उलझन में, भगत हो किस उलझन में। बाबा मुझे संतान नहीं दिन में, पुत्र मिले कुछ दिन में। इतना कहकर गोरख अंतर ध्यान हो जाते हैं, गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते हैं। असमंजस में पड़ गए सबला की चलने की तैयारी, गोरख गोरख रटते जाएं दोनों नर और नारी, दोनों नर और नारी। रस्ते में सुनी बच्चे की किलकारी, रोते हुए उस बच्चे को वो गले लगाते हैं। गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते हैं। फिर बच्चे को गोद में लेकर वो नगर में आए, लोगों में ये बात फैल गई, देखने सब आए, देखने सब आए। मुखिया बोला सुंदर बालक बड़ा ही प्यारा, बालक बड़ा ही प्यारा। सबला पंडित को बुलवा कर हवन कराते हैं, गोरख
भक्तों कथा सुनाते हैं। गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं मस्ता की कथा सुनाते हैं। होते देख उनकी बाल लीलाएं, हाव भाव बालक के देखे मस्ता उसे बुलाए। मस्ता उसे बुलाए सपना उनका हो गया पूरा। पुत्र रतन था पाया उनके अधूरे जीवन में उजियारा बन के आया। सुनते करते थे मनमानी, करते थे मनमानी। आदर करते माता पिता का संस्कारी गुणवान। एक समय ही दो जगह दिखते सबला थे हैरान। सबला थे हैरान। बाल रूप से सिद्ध है भक्तों कथा सुनाते हैं। गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं मस्ता की कथा सुनाते। कथा सुनाते हैं।
सबला ने देखा आंखों एक नजारा। धूना चेतन करके बैठे चल रहा था भंडारा, वहाँ चल रहा था भंडारा। वंश चलेगा कैसे मेरा अक्षु खूब बहाए, हे प्रभु ये कैसी लीला मुझको समझ ना आए, मुझे समझ ना आए। देख के गोरक्ष बाल रूप चिंतित हो जाते हैं, गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतार कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते हैं। मन में ईश्वर को याद किया प्रभु आपके हाथों डोर ले, मस्ता नगर की ओर। नरमाई नाथ जहाँ तप करे वहाँ पहुँचा नगर सुशाना, शीश बना लो मस्ता को दो चरणों में ठिकाना, दो चरणों में ठिकाना। नरमाई नाथ को देख के मस्ता फिर मुस्काते हैं, गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते हैं। में बड़ा भारी दूर दूर से उस घोड़े पर साधु संत है आते, तुमको भी वहाँ जाना चाहिए नरमाई बतलाते, नरमाई बतलाते। नरमाई की आज्ञा से वहाँ धूना रमाते हैं, गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते हैं। ढूंढे पर तब भजन किया था सरस्वती का किनारा, पंथ का धूना चेतन फैल गया उजियारा, फैल गया उजियारा। कुछ योगी आकर यूं पूछे कौन सा पंथ तुम्हारा, आई पंथ का शिष्य है नरमाई गुरु हमारा, नरमाई गुरु हमारा। भोजन करने भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते हैं। पहले दक्षिणा चाहिए, क्या सोचे हो मन में अपने हमको भेद बताइए, हमको भेद बताइए। बारह गाय बारह कंबल का
भक्तों कथा सुनाते हैं। गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं मस्ता की कथा सुनाते हैं। क्या है तुम्हारी मान बढ़ाई हम ना देंगे। कौन ऐसा तपधारी, कौन ऐसा तपधारी पाखंड करता फिरे जगत में। बात है निर्धार, इस माया से हम नहीं डरते। की ना बात स्वीकार, की ना बात स्वीकार। भक्तों कथा सुनाते हैं। गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं मस्ता की कथा सुनाते हैं। छाया अंधेरा चारों तरफ कुछ दिया नहीं दिखाई, कुछ दिया नहीं दिखाई। आंधी और तूफान चलाए अग्नि थी बरसाई। योगी भोगी सारे डर गए कुछ न समझ में आई, कुछ न समझ में आई। पहवा के भक्तों कथा सुनाते हैं। गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं मस्ता की कथा सुनाते हैं। की भेंट लेके कर चलने की तैयारी। चलते चलते रुक गए, एक नगरी थी बड़ी प्यारी, एक नगरी थी बड़ी प्यारी। लोगों को जब पता चला एक बाबा है तपधारी। दुख संकट में घिरी हुई पहुंची एक अबला नारी, पहुंची एक अबला नारी। पैर दिए और सुंदर काया कोढ़ हटाते हैं। गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं। गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं मस्ता की सुनाते हैं। 12 साल तक मस्त नाथ ने तप किया बड़ा भारी। उसी जगह फिर धूना लगाया आते नर और नारी, आते नर और नारी। वातावरण था उस धूने का भक्तों प्यारा। गाय शेर एक साथ में रहते, क्या अद्भुत था नजारा, क्या अद्भुत था नजारा। भक्त जनों के मस्त नाथ सब कष्ट मिटाते हैं। गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं। गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं।
कृपा कर दो हम पर। नदी नाले भी सूख गए, तू ही संकट को अब हर, तू ही संकट को अब हर। बड़ी आस से तेरे दर पर बाबा हम हैं आए, सूखा अकाल पड़ा है भयंकर, सभी प्राणी अकुलाए, सभी प्राणी अकुलाए। उमड़ घुमड़ के आए मेघ पानी बरसाते हैं, गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते। दिखाई माया, ऐसी दिखाई माया। नगर तो सारा खुश हुआ, कोई नाथ निरंजन आया, चमत्कार बाबा ने किए, कई अपना रूप दिखाया, फिर अपना रूप दिखाया। ओठ खोकरा भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते हैं। जन सिलका उसका नाम, दूध लेके धूणे पे आता, नित का यही था काम, नित का यही था काम। बाबा की सेवा में ही था उसका मन तो रमता, माया देखी बाबा की, बदला जीवन का रास्ता, बदला जीवन का रास्ता। शिष्य बना कर बाबा सिलका नाथ बनाते हैं, गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते हैं। भर्तरी गोपी चंद के दर्शन योगी राज को कराए, यही निरंजन वन बाद में खोखरा कोठ कहाए, खोखरा कोठ कहाए। जज्जर ग्राम में एक सामंत शिकार खेलने आया, मस्त नाथ बाबा ने उसी पल हिरण का रूप बनाया, हिरण का रूप बनाया। दर्शन देकर उसको आत्म ज्ञान कराते हैं, गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते हैं। नगर पछोपा पहुंच गए, तब की ढूंढे की तैयारी, ईंधन लकड़ी दी न किसी ने, भूल करी बड़ी भारी, भूल करी बड़ी भारी। पाखंडी बाबा है कोई, बना फिरे तपधारी,
भक्तों कथा सुनाते हैं। गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं मस्ता की कथा सुनाते हैं। फिर पहुंच कलोई कर रहे थे स्नान। कुएं पे आई एक रूपवती ने कर दिया था अपमान। वहां कर दिया था अपमान। बाबा ने उस श्राप दे दिया तू भी भटके वन में। वैराग्य उत्पन्न हो गया उस नारी के मन में। उस नारी के दीक्षा देकर उसे पायनाथ बनाते हैं। गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं। गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं मस्ता की कथा सुनाते हैं। अपना लगाया बूढ़ा जाट धर्मात्मा एक दुखों ने बड़ा सताया। दुखों ने बड़ा सताया। तन से जर जर पत्नी उसकी पुत्र कामना मन में। आंखें उसकी नीर बहाए खुशी नहीं जीवन में। खुशी नहीं जीवन में। पति पत्नी उनकी दया से तीन बेटे पाते हैं। गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं। गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं मस्ता की कथा सुनाते हैं। चला गवाला लेकर धेनु वन में। चारा खा कर बैठ गई जब रोग हुआ कुछ तन में। जब रोग हुआ कुछ तन में। कांपने लगी प्राण छूटेंगे क्या करूं जतन में। ढूंढे पर फिर माथा टेका अर्ज करी कुछ मन में। अर्ज करी कुछ मन में। मस्तनाथ धेनु के आकर प्राण बचाते हैं। गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं। गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं मस्ता की कथा सुनाते। कर बाबा खटवाली में आए। ढूंढा चेतन करने को शीशों से ईंधन मंगवाए। शीशों से ईंधन मंगवाए। कुछ मूर्ख अज्ञानी बैठे एक लक्कड़ बतलाया। बड़ा ही भारी था वो लक्कड़ ध्यान गुरु का लगा। लक्कड़ को उठाते हैं। गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं। गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं
क्या करते तप धारी, तुम क्या करते तप धारी। यह लक्कड़ चौपाल का है, काम चल रहा भारी। बाबा ने फिर श्राप दिया, चौपाल बने न तुम्हारी, चौपाल बने न तुम्हारी। आज तलक वो बन ना पाई, सभी बताते हैं वो रक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते हैं। एक समय फिर बाबा ने दिल्ली का फेरा लगाया, पंचकुइया के बाग में अपना आसन जमाया, अपना आसन जमाया। आलम शाह जो उस समय में दिल्ली के सरदार, मंत्री हाथों भेजा संदेशा, मिलना चाहे महाराज, मिलना चाहे महाराज। अलख निरंजन मस्त नाथ ले भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते हैं। शाह ने बाबा को भेजे कई उपहार, शाल दुशाले हैं कीमती, करो बाबा स्वीकार, कर लो बाबा स्वीकार। मस्त नाथ बाबा ने उनको धूने में डाला, महाराज को खबर हुई जब क्रोध की भड़की ज्वाला, भड़की क्रोध की। आलम शाह अपने मंत्री को हुक्म सुनाते हैं, गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते। की भेंट आपके लिए नहीं उपयोगी, आप यदि वह लौटा दे तो बड़ी ही कृपा होगी, बड़ी ही कृपा होगी। जलते धूड़े में से तब थी वस्तु निकाली सारी, चकित हो गए लोग सारे, गजब का ये तप धारी, गजब का ये तप धारी। योग सिद्धियां देख सभी जन शीश झुकाते हैं, गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते। पहुंचे बाबा अपना धूना लगाया, लोग नगर के देखने आए, कौन सा योगी आया, यहाँ कौन सा योगी आया। तेजस्वी ओजस्वी बाबा मोहिनी उसकी काया, शिव को रख सा ढंग है उसका, अद्भुत रूप बनाया,
मस्त नाथ को अंतर्यामी सभी बताते हैं। गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं, सुनाते हैं। जोधपुर का राजा था एक भीम सिंह अभिमानी, भाई भतीजे मार दिए सब राज हड़पने की ठानी, राज हड़पने की ठानी। मान सिंह गया भाग महल से पड़ गई जान बचा, भक्तों कथा सुनाते हैं। गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं मस्ता की कथा सुनाते हैं। सारा हाल सुनाया, तीन दिनों में भूप बनेगा बाबा ने बतलाया, बाबा ने बतलाया। भीम सिंह पापी को मारे काल उसका आ जाए, करनी का फल भोग न पड़ता कोई नहीं बच पाए, या कोई नहीं बच पाए। जोधपुर के मान सिंह राजा बन जाते हैं, गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं मस्ता की कथा सुनाते हैं। पे सूरत सिंह कारा, दूर दूर से संत बुलाए यज्ञ का करे आगा, यज्ञ का करे आगा। दूध से भरा कड़ाहा देखा मस्त नाथ ने वहां पर, रूप नाथ को भेजा वहां पे था कड़ाहा जहां पर, रखा था कड़ाहा जहां पर। में काट के लकड़ी और भभूती डलवाते हैं, गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं मस्ता की कथा सुनाते। राजा को पित हो गया जब सुना सारा वृतांत, मस्त नाथ को लेकर आओ पीसे राजा दांत, पीसे राजा दांत। भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं।
जानना चाहूँ राज, मैं जानना चाहूँ राज। दक्षिणा दे दू ब्राह्मणों को, मेरा मन ये हुआ। मंगवाया कड़ा हाथों था, स्वर्ण से भरा हुआ, सोने से भरा हुआ। नाथ योग की दीक्षा, सूरत सिंह तब पाते भक्तों कथा सुनाते हैं। गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते हैं। गिरी पर्वत पे बाबा ने समय बिताया, वहां से आके बाबा ने बिछलान में डेरा जमाया, बिछलान में डेरा जमाया। सारे शिष्य पास बुला कर दे रहे संत थे ज्ञान, फागुन शुक्ल नौमी के दिन हो गए अंतर ध्यान, हो गए अंतर। भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते हैं। प्रकट हो के कहा, जीवित हूँ मैं, मृत नहीं, देह से हूँ मुक्त हुआ, देह से हूँ मुक्त हुआ। मेरे देह को अस्थल बोर ले जाओ, ये आदेश दिया। शिष्यों ने फिर दी समाधि, मंदिर बना दिया, वहाँ पे मंदिर बना दिया। भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते। गति पे आए, कई सिद्धियां पाई और भक्तों को राह दिखाए, भक्तों को राह दिखाए। मेघनाथ बाबा ने फिर मंदिर की कमान संभाली, लोगों के दुखड़े मिटाते फैल गई खुशहाली, फैल गई खुशहाली। बड़े सिद्ध पुरुष थे धारी, ये लोग बताते हैं। गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं, गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, नाथ की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, मस्ता की कथा सुनाते हैं। पन में चेलानाथ जी आए, अकाल पड़े थे बड़े ही
तपस्वी बड़े महान संत कहते हैं। गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं। गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं मस्ता की कथा सुनाते हैं। हकीम था आयुर्वेद का ज्ञान, नेत्र चिकित्सालय खुलवाया अस्तल बोहर स्थान। अस्तल बोहर स्थान उनके शिष्य चांदनाथ ने पाया बड़ा मुकाम। वर्तमान में बालक नाथ ने थामी यहाँ कमान। थामी यहाँ के कार्य महंत जी करवाते हैं। गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं। गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं मस्ता की कथा सुनाते हैं। सिद्धि का परिचायक, संतापों से मिलती मुक्ति, दर्शन अति सुखदायक है। दर्शन अति सुखदायक अमर है बाबा मस्तनाथ और योगी राज कहते। जो भी उनकी दर पे आता मन की मुरादे पाते है। मन की मुरादे पाते बाबा भक्तों संकट तो आप मिटाते हैं। गोरक्ष अवतारी की भक्तों कथा सुनाते हैं। गोरख अवतारी की भक्तों हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं नाथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं मस्ता की कथा सुनाते हैं। पंछी है उड़ जाना, भक्ति कर ले हर को ध्याले, कुछ भी साथ न जाना। कुछ भी साथ न जाना कर्म तू अच्छे कर ले, कवि सिंह याद करेगा समाना। सत के राही सदा ही चलना, आगे कदम बढ़ाना। सदा आगे कदम बढ़ाना जीवन की सच्चाई समझे वो तर जाते हैं। गोरक्ष अवतारी की भक्तों